सर पहले परिचय देंगे अपना। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश घिल्ले हूँ, एमडी मेडिसिन, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन विभाग में, मेडिकल कॉलेज कोरबा में। सर ऐसा देखा जाए तो ठंडियों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले या हार्ट अटैक मामले बढ़ जाते हैं, क्या कारण मानते हैं इसका और क्या बचाव इन दिनों लोग करना चाहिए? यूजुअली स्ट्रोक वगैरह के मामले तो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो इसका मेन यही कारण रहता है, जैसे ठंडी के टाइम में थोड़ी सी जो खून की खून सप्लाई करने वाले नसें रहते हैं उसका थोड़ा सा सिकुड़ाहट मिलता है, और जो खून रहता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो ये सब कारणों की वजह से थोड़े से स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बचाव का यही है कि अगर किसी को कोई ज़्यादा परेशानी, खासकर जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उसको अपन कंट्रोल में रखना है, उसकी जो दवाई वगैरह है वो बराबर खाते रहनी है, नमक की मात्रा कम रखनी है, तो नॉर्मल अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, 30 से 40 मिनट के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी बीपी शुगर की बीमारी है उसमें, कि डेली वॉक वगैरह एटलीस्ट करना है, तो वो सब करना है। खाने में फ्रूट्स वगैरह की मात्रा जो रहती है वो वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खानी है, नमक की मात्रा जो रहता है सॉल्ट है वो कम करना है, इसके अलावा जैसे शुगर वगैरह की कोई बीमारी है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए, तो वो उसके लिए जो भी दवाई प्रिस्क्राइब है वो बराबर लेते रहें, उसके कंट्रोल में रहना चाहिए, और कोई जो भी हाई रिस्क वाली चीज़ें हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है तो उसकी दवाई रेगुलर खाएं, वो कंट्रोल में रहें, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है।